हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरू फूड ब्लॉग्स। आज मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर और वो आपको बताएंगी खास तरह की चटनी बनाना। विंटर्स में हम तरह तरह की डिशेस बनाते रहते हैं, जैसे परांठे, पकोड़े वगैरह, जिसके साथ उन चीज़ों का टेस्ट बढ़ जाता है अगर हम अलग अलग तरह की चटनियों के साथ उन्हें सर्व करते हैं। तो अब आप मेरी सिस्टर से जानिए खास तरह की चटनी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्याज की चटनी बनाना बताऊंगी, जो बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए हमें सबसे पहले मिक्सी का जार और ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने इसमें लिए हैं 4 मीडियम साइज अनियंस, 2 ग्रीन चिली, 1 टमाटो, थोड़े से धनिया पत्ती, 8-10 गार्लिक क्लॉव्स और थोड़े से पुदीना पत्ती। और स्पाइसेस में हमें चाहिए तो 1/2 टेबल स्पून अमचूर, अ पिंच ऑफ देगी मिर्च एंड 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। सबसे पहले हम जार में नीचे पुदीना पत्ती डालेंगे, उसके बाद गार्लिक क्लॉव्स डालेंगे, उसके बाद ग्रीन चिलीज, देन धनिया पत्ती, उसके बाद टमेटोज और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर अनियन डालेंगे। अनियन डालने के बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, अमचूर पाउडर, थोड़ी सी देगी मिर्च और वाइट सॉल्ट। इसके बाद हम अपनी मिक्सी के जार को पल्स मोड पे चलाएंगे। ये ध्यान रखना कि इसको पल्स मोड पे ही चलाना है। पहले थोड़ा सा चलाएंगे, चेक कर लेंगे। अभी चटनी थोड़ी मोटी है। अब चटनी ऑलमोस्ट बन गई है। इस चटनी को हम बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसते, इसमें इसका टेस्ट नहीं रह जाता। और ये ध्यान रखना, जैसे जैसे मैंने नीचे डाला था उसी के अकॉर्डिंग ही आप भी सामान डालना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी रेडी है। अगर आप इसको और बारीक करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। जैसे अब इसमें ग्रीन चिली अभी थोड़ी सी मोटी दिख रही है, इसलिए हम इसे एक बार थोड़ा सा और चला लेते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे जार में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे जार में शिफ्ट कर लिया है। और आजकल विंटर्स है तो इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी होती है। हम इसे 1 वीक तक इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारी किसी भी स्नैक्स के टेस्ट को बहुत इनहेंस करती है। अगर आप स्पाइसेस थोड़े से बढ़ाना या घटाना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आप कर सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस। फ्रेंड्स, हमारी एक बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी। आप भी इसे खाएं और अपने फैमिली मेम्बर सभी को खिलाएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।